हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे 25 फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप इस पूरी दुनिया की सबसे गंदी जगह के बारे में जानते हो? नहीं तो चलिए इस वर्ल्ड मोस्ट डर्टी प्लेस के बारे में आज जान ही लेते हैं। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा गंदी जगह है पसिंग नदी, जो कि फिलीपींस में आई है, जो आप इस फोटो में देख सकते हो। तो दोस्तों, इस नदी के अगल बगल में अधिक से अधिक जनसंख्या वाला शहर बसता है। लेकिन दोस्तों, ये रिवर इतनी गंदी है कि इनके कारण यहाँ के लोग बहुत ही बीमार पड़ने लगे, और बाद में फिलीपींस गवर्नमेंट ने इस पिसिंग रिवर को साफ करने की जिम्मेदारी ली। और दोस्तों, आज वो पिसिंग रिवर कुछ इस तरह दिखती है, इस आप फोटो में देख सकते हो। और दोस्तों, नदी की सुंदरता एवं स्वच्छता के लिए इस पिसिंग रिवर ने एशियाई रिवर प्राइस का अवार्ड भी जीता था। तो क्या दोस्तों, आप दुनिया की सबसे गंदी जगह के बारे में जानते थे? कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिए। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपको पता ही है कि हम जब भी होटल में खाना खाने जाते हैं तब तो उस समय प्लेट के ऊपर बहुत सारे स्पून यानी कि चम्मच रखे जाते हैं। देखिए, चम्मच जो रखे होते हैं वो आपको बताने के लिए काफी हो, यानी कि जो पहले यहाँ पर खाना खाकर गया उसे अपना खाना पसंद आया या नहीं, उसे अपना पूरा खाना फिनिश किया या नहीं किया। आप ये देखें कि स्पून क्रॉस किया है तो उसे अपना खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और अगर पैनर तो भाई खाना बहुत अच्छा ही था, एक्सेलेंट क्वालिटी का, इस तरह से और भी बहुत सारा मैसेज होता है। तो क्या दोस्तों, आपको इस तरह के स्पून के सिंबल के बारे में पता था? फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आप में से कुछ लोगों के सबसे फेवरेट कंट्री स्विट्जरलैंड होगी, और होनी भी चाहिए क्योंकि वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल कंट्री में से एक है। तो गाइस, चलिए आज स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट जानते हैं। तो अगर फ्यूचर में स्विट्जरलैंड के ऊपर परमाणु हमला हो जाए तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने सैकड़ों बंकर बना रखे है, क्योंकि परमाणु युद्ध के मामले में स्विट्जरलैंड के पास अपनी पूरी आबादी को रखने के लिए पर्याप्त बंकर है। और दोस्तों, अगर आपको स्विट्जरलैंड की नागरिकता चाहिए तो आपको कम से कम स्विट्जरलैंड में 12 साल तक रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 12 साल तक कम से कम रहना पड़ेगा। और दोस्तों, अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वो बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कही है। फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट खाने वाला देश स्विट्जरलैंड ही है, जहाँ पर ईच एंड एवरी पर्सन हर साल 10 kg चॉकलेट खा लेता है। और तो और दोस्तों, हम जो व्हाइट चॉकलेट खाते हैं उनका आविष्कार भी स्विट्जरलैंड ने ही किया था। और दोस्तों, व्हाइट चॉकलेट का निर्माता का नाम है हेनरी नेस्ले और डेनियल पीटर। और दोस्तों, स्विट्जरलैंड के बारे में आगे बढ़ते हुए मैं कहता हूँ कि स्विट्जरलैंड को कई साल पहले हेलवेटिया के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, हेलवेटिया। और तो और दोस्तों, जो स्विट्जरलैंड में टीचर होते हैं उनको वहाँ के प्रेसिडेंट से भी ऊंचा स्थान दिया जाता है। और दोस्तों, स्विट्जरलैंड में टीचर को अधिक से अधिक पैसा भी दिया जाता है। और दोस्तों, स्विट्जरलैंड के बारे में जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, दुनिया के अधिकांश लग्जरिया घड़िया का उत्पादन स्विट्जरलैंड में किया जाता है, जैसे कि टीसॉट, टीएजी व्यूअर, रोलेक्स, पोटेक्स फिल्प। और तो और, सबसे पहली बार 1927 में रोलेक्स कंपनी ने पहली बार वाटरप्रूफ घड़ी बनाई थी। तो दोस्तों, दुनिया को वाटरप्रूफ घड़ी देने वाला देश स्विट्जरलैंड ही है। और दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक ऐसा विमान बनाने वाला है जो कि सौर ऊर्जा से चलता है। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड में हर बैंक काउंटर को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ ग्लास से बनाया जाता है। पूरे स्विट्जरलैंड में 3,000 meters से ऊंचे 208 पहाड़ है, और ये पहाड़ ही स्विट्जरलैंड की सुंदरता बताता है। तो क्या दोस्तों, आप स्विट्जरलैंड के बारे में अमेजिंग बातें जानते थे? फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो दुनिया का सबसे पुराना पत्थर है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये करीब 4.5 बिलियन साल पुराना पत्थर है, और इतना ही पुराना जितनी पुरानी हमारी धरती है। इनका नाम है जैक हेल्स जिरकॉन। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस धरती का सबसे पुराना पत्थर किसी को मिल भी सकता है। दिस इज रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, जो कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में आई है। और अमेजन रिवर की टोटल लेंथ है 6,575 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी रिवर होने के बाद भी इस नदी पर एक भी ब्रिज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक एक भी ब्रिज नहीं है। तो गाइस, सच में यूनिक है यह रिवर। फैक्ट नंबर 6, चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एयरपोर्ट की कहानी जो मुंबई शहर से भी बड़ा है। दोस्तों, इनका नाम है किंग हेमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बना हुआ है डोहा में। दोस्तों, ये एयरपोर्ट इतना बड़ा बनाया हुआ है कि इसमें एक मुंबई शहर भी समा जाए। और दोस्तों, इस एयरपोर्ट पर हर साल 30 मिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर आते जाते हैं, और ये एयरपोर्ट 5,500 एकड़ में फैला हुआ है। कमाल की बात है यार, अब देश में कुछ छोटा मोटा बनता ही नहीं है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों हाल ही में फैली महामारियों को बचने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सारी मेडिसिन बनाई है, और घरेलू उपचार भी खोजे गए है। तो दोस्तों, उनमें से ही आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो दोस्तों, इस प्लाज्मा थेरेपी में होता यह है कि कोरोना वायरस से ठीक हुई इंसान के ब्लड में से एंटीबॉडीज निकलकर पीड़िता व्यक्ति के शरीर में डाली जाती है, जिसे पीड़िता व्यक्ति को ठीक किया जा सके। और दोस्तों, हमारे शरीर में 4 चीजें होती है, उनमें पहली चीज है RBC, और दूसरी चीज है WBC, और तीसरी चीज है प्लेटलेट्स,
और चौथा चीज है प्लाज्मा। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा हमारे खून का तरल वाला भाग होता है और दोस्तों एक व्यक्ति 400 मिली प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और एक पीड़ित व्यक्ति को ठीक होने के लिए 200 मिली प्लाज्मा की जरूरत होती है, यानी कि एक तंदुरुस्त व्यक्ति 2 पीड़ितों को बचा सकता है। और गाइस मैं बता देता हूँ कि कोरोना वायरस से ठीक होने पर 2 हफ्ते के बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो। तो क्या दोस्तों आपको इस प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पता था? कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिए। फैक्ट नंबर 8, क्या दोस्तों आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? ये इतना छोटा है कि आपको नजर भी नहीं आएगा। यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखिए, इनका नाम है वॉल्फिया जो 1 मिलीमीटर का है। और ये देखिए कितना छोटा है, बहुत क्यूट है यार। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपके पास अपना अपना आधार कार्ड तो होगा और होना भी चाहिए, पर क्या आप ये जानते हो कि भारत का सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? तो दोस्तों पूरे ही भारत में सबसे पहला आधार कार्ड रंजना सोनावाने का निकला था। तो दोस्तों क्या आपको पता है पूरे ही भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका निकला था? फैक्ट नंबर 10, एक चीज तो हमारे घर में जरूर देखने को मिलती है कि हमारे घर में कोई भी सामान खराब हो जाए तो हम मैकेनिक बन जाते हैं, लेकिन देखिए ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं चलता है। ऑस्ट्रेलिया में आपके घर पर या आप खुद भी तब तक आप बिजली का काम नहीं कर सकते तब तक आपके पास लाइसेंस ना हो, यानी कि एक छोटे से बल्ब को निकालने के लिए भी आपको किसी बिजली वाले को बोलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों है ना अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 11, फ्रेंड्स आप में से कई लोग हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे, पर क्या आपको पता है कि हिंदी में हम जो ऊपर लाइन खींचते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उस लाइन को शिरोरेखा के नाम से जाना जाता है। तो क्या दोस्तों आप पहले से इस लाइन के बारे में जानते हो? कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों आपने कार में अक्सर एयरबैग को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है साइंटिस्ट ने हाल ही में एक एयरबैग को भी बनाकर तैयार किया है जो कि बहुत ही कम टाइम में आने वाला है। दरअसल दोस्तों इस बैग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बनाया गया है जो कि गिरने से पहले ही अपने आप को कुछ इस तरह से खुलकर अपने आप अपने हेड को प्रोटेक्ट करता है। अमेजिंग बात तो यह है दोस्तों कि टेस्टिंग में इसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है, यानी कि फ्यूचर में यह टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी जरूर देखने को मिलेंगी। तो क्या दोस्तों आप हेड बैग के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। फैक्ट नंबर 13, तो क्या दोस्तों आपने पहले कभी यह सोचा है कि भारत देश की महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों भरती है? तो दोस्तों ये सिंदूर लगाने की प्रथा तकरीबन 5000 साल पुरानी है और दोस्तों हिंदू धर्म के धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन किया गया है। माता पार्वती और सीता माता भी अपनी मांग में सिंदूर भरती थी क्योंकि दोस्तों शिव जी को बुरी शक्तियों से बचाया जा सके, और माता सीता अपने राम की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर भरती है। और दोस्तों एक और भी मान्यता है कि यह सिंदूर जितना लंबा भरती है उनका पति उतना ही लंबा जीता है। तो क्या दोस्तों आपको सिंदूर की बात पता था? कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिए। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में मिलने वाला पिग्मी मार्मोसेट नाम का बंदर दुनिया का सबसे छोटा बंदर है और इनका वजन सिर्फ 100 ग्राम ही है और यह बंदर दुनिया का सबसे छोटा बंदर है। तो दोस्तों है ना कमाल का बंदर। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों आपने ये देखा होगा कि कुछ चीनी कंपनियों के एंड्रॉइड मोबाइल में कुछ फालतू ऐप भी आते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये फालतू ऐप क्यों आते हैं? नहीं तो चलिए इसके बारे में आज पूरा ही जान लेते हैं। दोस्तों आपने कभी आईफोन जैसे महंगे महंगे स्मार्टफोन चलाकर देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि शाओमी और रियलमी जैसे स्मार्टफोन की तरह इस फोन में कोई फालतू ऐप नहीं होते। तो दोस्तों ये बात है अधिक से अधिक पैसा कमाने की भूख की। असल में बात यह है कि चीनी कंपनियों को अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता है और खुफिया एजेंसी को भी उपयोगकर्ता की निजी जानकारी चाहिए होती है। अगर आप चीनी स्मार्टफोन खरीदने जाओगे तो आपको उसमें कई सारे फालतू ऐप और गेम देखने को मिलेंगे। और दोस्तों भारत का एक आम नागरिक जिसको इंटरनेट प्राइवेसी की कोई जानकारी नहीं है वो इन ऐप को चलाकर भी देखेंगे। और दोस्तों आजकल के फोन ज्यादा भारी भरकम रैम के आने लगे हैं और आपके लैपटॉप से भी ज्यादा तेज आपका मोबाइल होगा, पर फिर भी आपने कभी ये सोचा है कि ये चीनी कंपनियां भला रैम बूस्ट फोन क्लीनर जैसे ऐप को क्यों डालते हैं? जिसका भला क्या काम होता है? असल में दोस्तों ये फालतू ऐप चीनी सरकार और चीनी खुफिया एजेंसी को हथियार बना देती है जिसका उपयोग वो भारत के संप्रभुता और अखंडता को समाप्त करने के लिए करते हैं। इसीलिए दोस्तों आप चाइनीज आइटम कम से कम खरीदिए तो ही अच्छा होगा। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि हम जो केले खाते हैं उनके अलावा केले के 1000 से भी ज्यादा किस्में हैं। जी हाँ दोस्तों पूरी दुनिया में 1000 से भी ज्यादा केले की किस्में हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही तरह के केले खाते हैं। और क्या आपने कभी कोई वैरायटी के अलावा किसी और वैरायटी का केला खाया है? कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों आपने कुछ मूवी में देखा होगा कि कुछ लोग दोनों आंखों से लिख सकते हैं, तो इस वाली क्वालिटी को क्या कहा जाता है, क्या आपको पता है? तो दोस्तों इसे एम्बिडेक्सटरिटी कहा जाता है। और दोस्तों खास बात तो यह है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक समय पर दोनों हाथों से लिख सकते थे। और दोस्तों मध्य प्रदेश में एक स्कूल है जिसका नाम है वीना वादिनी स्कूल। ये स्कूल में 300 छात्र पढ़ते हैं और यहाँ सभी छात्रों को एक समय पर दोनों हाथों से लिखने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या दोस्तों आपको इस स्कूल के बारे में पता था?
कमेंट सेशन में जरूर लिखिए। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों, आपको जो अभी स्क्रीन पर कार दिख रहे हैं उनका नाम है फ्लैट मोबाइल और यह दुनिया की सबसे नीचे कार है और इनको लीगली तौर पर मार्केट में उतारा गया है। दोस्तों इनकी जमीन से हाइट की बात की जाए तो सिर्फ 19 इंचेस है ना, अमेजिंग कार। फैक्ट नंबर 19 दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को यह पता ही होगा कि 16 जुलाई 1969 के दिन रात के 7:02 पर नासा के अपोलो 11 मिशन ने मून पर लैंडिंग किया था। पर दोस्तों आज के दिन अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन में से 5% पॉपुलेशन ये मून लैंडिंग को मानती ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मून लैंडिंग को मानते ही नहीं है, मतलब कि ये 5% लोगों ये मानते हैं कि इंसान ने कभी भी चांद पर अपना कदम रखा ही नहीं है। वो 5% लोगों को मानना है कि 1960 के दशक में नासा के पास तकनीकी की कमी से वो कभी भी चांद पर पहुंचा ही नहीं है। और दोस्तों उसके साथ ये भी कहा जाता है कि USSR अंतरिक्ष एजेंसी के खिलाफ बढ़त दिखाने के लिए नासा ने चंद्रमा पर उतरने का नाटक किया है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जब पहली बार नील आर्मस्ट्रांग मून पर उतरे तब उन्होंने ये कहा था कि ये मानव के लिए तो छोटा कदम है पर मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। लेकिन दोस्तों इन अफवाह और कहानियों को हवा मिलना तब शुरू हुआ जब 1976 में एक किताब प्रकाशित हुआ जिसका नाम है वी नेवर वॉन्ट टू द मून, अमेरिकाज 30 बिलियन डॉलर स्विंडल। और गाइस ये बुक बिल केसिंग ने लिखी थी जो कि नासा में काम कर चुके थे। और दोस्तों इस किताब में इतनी सारी ऐसे बातें लिखी गई है जो कि चांद पर उतरने के दावों को झूठ बताने का समर्थन करती है। और दोस्तों इस बुक के अंदर कई सारे मिथ भी छुपे हुए हैं, जैसे कि चांद पर जो अमेरिका का झंडा लहराते हुए दिख रहा है वो बिना वायुहीन वातावरण में कैसे लहरा सकता है। और दोस्तों मिथ नंबर 2 ये है कि नील आर्मस्ट्रांग और बज एंड्रिन ने जितने भी चांद के फोटो खींचे है उसके पीछे कोई भी तारे नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों बिना तारों के आकाश कैसे संभव है। और दोस्तों जो चांद की सतह पर पैर के निशान दिख रहे हैं वो भी झूठे ही है क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर नमी की कमी की वजह से वहां पर ऐसे निशान पड़ते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आप मून लैंडिंग को मानते हो या नहीं मानते कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 20 दोस्तों, यूट्यूब की बात करें तो आपको पता है कि क्या है यूट्यूब, यानी कि जो ये वीडियो आप देख रहे हैं वो भी यूट्यूब में ही देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों में यूट्यूब बैन है, यानी कि उन देशों में उनका खुद का एप्लीकेशन बनाकर दिखाया जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपका फेवरेट एप्लीकेशन कौन सा है। फैक्ट नंबर 21 दोस्तों, आपने कई सारे प्रजाति के सांप को देखा होगा लेकिन मैं आज आपको एक अमेजिंग स्नेक के बारे में बताने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों ये आम सांप के मुकाबले कई गुना ज्यादा खास और यूनिक है और क्रिसोपेलिया पाराडिसी प्रजाति में देखा जाता है और इन स्नेक को ग्लाइडिंग स्नेक भी कहा जाता है। यहाँ दोस्तों आपको इस ग्लाइडिंग स्नेक के बारे में पता था। फैक्ट नंबर 22 क्या आपने कभी सोचा है कि टूथपेस्ट के टूथ पर बने अलग अलग रंग की पट्टिया का क्या मतलब है। अगर टूथपेस्ट पर काले रंग का मार्क है तो इनका मतलब यह है कि टूथपेस्ट पर ज्यादा मात्रा में केमिकल मिला हुआ है। अगर टूथपेस्ट पर हरा रंग का मार्क हो तो इनका मतलब यह है कि टूथपेस्ट पर केवल प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल किया हुआ है। अगर टूथपेस्ट पर लाल रंग का मार्क हो तो इनका मतलब यह है कि टूथपेस्ट पर प्राकृतिक चीजों के साथ साथ केमिकल भी मिलाया गया है। और अगर टूथपेस्ट पर नीला रंग का मार्क हो तो इनका मतलब यह है कि टूथपेस्ट पर प्राकृतिक चीजों के साथ साथ मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों है ना कमाल का अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 23 क्या दोस्तों, आप ये जानते हो कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी बिल्ली की पोटी से बनती है। दोस्तों ये कॉफी उस बीन से बनी होती है जिसे सीवेट कैच पचा नहीं पाती और ये बीज उनकी पोटी से चुन लिया जाते हैं और दोस्तों इस बीज को सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उनको घोल कर ग्राइंड किया जाता है। दोस्तों इसी तरह से दुनिया की सबसे महंगी कॉफी बनती है। तो दोस्तों इस कॉफी की 1 kg की कीमत 18,000 से 25,000 तक होती है। तो दोस्तों अमेजिंग है ना ये कॉफी। फैक्ट नंबर 24 दोस्तों, ड्रोन हर इंसान के द्वारा देखे जाते हैं और बहुत से लोग इनका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ड्रोन को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है। दरअसल दोस्तों आप ड्रोन को शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उनका मतलब कुछ ऐसा होता है। दोस्तों इनका मतलब नर मधुमक्खी होता है। दोस्तों इनकी क्वालिटीज नर मधुमक्खी को देखकर बनाई गई है। जैसे कि नर मधुमक्खी हवा में किसी भी जगह रुक सकते हैं, ठीक उसी ही कंडीशन में ये भी रुक सकता है। और इन दोनों में काफी समानता है, जैसे कि ड्रोन होता है उनके साउंड वो काफी हद तक सिमिलर होते हैं। जो ड्रोन होता है उनको शुद्ध हिंदी में नर मधुमक्खी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 25 दोस्तों, आप कई सारे कलरफुल साबुन का उपयोग करते होंगे जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम कोई भी कलर का साबुन यूज करें और उसका बबल यानी कि झाग का कलर हमेशा सफेद ही क्यों होता है। नहीं तो चलिए आज उसके पीछे की साइंस को जान ही लेते हैं। दोस्तों आप ऐसे कई लोगों ने फिजिक्स में ये तो पढ़ा ही होगा कि किसी चीज का रंग वो उसका रंग नहीं होता बल्कि उसके पर लाइट के वेव्स पड़ते हैं तब वो जिस प्रकाश को चीज रिफ्लेक्ट करती है उसी कलर की चीज हमें दिखाई देती है। नहीं समझे तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों हम जब भी कोई चीज पर लाइट थ्रो करते हैं तब वो चीज अगर वो सारी लाइट को सोख ले तो वो चीज हमें ब्लैक दिखाई देगी
और दोस्तों कोई चीज पर लाइट थ्रो करते ही तो रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो चीज हमें व्हाइट दिखाई देगी। तो उसी तरह से आप साबुन के जाग को जूम करके देखेंगे तो आपको छोटे छोटे बबल दिखेंगे। और दोस्तों ये बबल पर जब लाइट के वेव्स पड़ते हैं तब वो सारी लाइट के वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ इसी वजह से साबुन के सारे फॉर्म हमें सफेद दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आज आप उसके पीछे की साइंस भी जान गए हो। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।